नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। एक बार फिर हाजिर हूं हमारे खास कार्यक्रम बॉलीवुड धमाल में, जहां हम आपको बताते हैं बॉलीवुड से जुड़ी कुछ चटपटी और दिलचस्प गॉसिप्स के बारे में। तो आज बॉलीवुड धमाल में क्या है खास? दरअसल कल ही का दिन है जब आर्यन खान को जमानत मिल चुकी है और इस जमानत को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएँ लोगों की सामने आ रही हैं। आर्यन खान और शाहरुख खान के घर अब खुशियां आ चुकी है और आर्यन की जमानत के बाद से ही ये लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। तमाम तरह की जो काफ़ी पर इतने लंबे समय तक जो शाहरुख खान को परेशानियों का सामना करना पड़ा है वो अब दूर हो चुकी हैं और अब आर्यन खान के लौटने के बाद लोगों के चेहरे पे काफ़ी जो है लोग अपनी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया के ज़रिए साझा कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता आर्यन खान के बेटे शाहरुख खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने तीन दिन की सुनवाई के बाद जमानत दे दी। जैसी ये खबर मीडिया में आई कि उन्हें ज़मानत मिल गई, वैसे ही बॉलीवुड की इंडस्ट्री में खुशियों की लहर दौड़ गई। इंडस्ट्री की तरफ से कई बार आर्यन खान की गिरफ्तारी और ज़मानत ना मिलने को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए। जैसे ही आर्यन खान को ज़मानत मिली वैसे ही इंडस्ट्री वालों ने शाहरुख खान को बधाई देने का सिलसिला शुरू कर दिया। जाने माने अभिनेता आर माधवन ने ट्वीट कर लिखा कि वो एक पिता के रूप में कोर्ट के फैसले से खुश हैं। आर माधव ने लिखा कि भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, मैं एक पिता के तौर पर बहुत खुश हूँ, मुझे उम्मीद है कि अब पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें होंगी। वहीं कलाकार सोनू सूद ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि समय जब न्याय करता है तब गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। डायरेक्टर हसल मेहता ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है कि मैं आज पार्टी करूंगा। वहीं गायक मिक्का सिंह ने भी इसको लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि आर्यन तुम्हें बधाई, मुझे खुशी है कि तुम्हें आखिरकार ज़मानत मिल गई। शाहरुख भाई, भगवान के घर देर है पर लेकिन अंधेर नहीं, आपने हम सबका बहुत साथ दिया, भगवान आपके परिवार का ख्याल रखेगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री के बाकी लोगों ने भी आर्यन खान की ज़मानत को लेकर तरह तरह के ट्वीट्स किए और उनको बधाई दी। राजकुमार राव और कृति सेनन की एक नई फिल्म आने वाली है। इस फिल्म को लेके लोग काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। हम दो हमारे दो इस फिल्म का टाइटल, इस फिल्म का पोस्टर भी रिलीज़ हो चुका है। ये फिल्म आज ही OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को लेकर तरह तरह की बातें बन रही हैं और तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। लोग इस फिल्म को लेकर काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं और हम दो हमारे दो आज ही OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने जा रही है। इसे डिज्नी और प्लस हॉटस्टार पर भी आप देख सकते हैं। इस कॉमेडी रोमांटिक फिल्म में राजकुमार रॉय और कृति सेनन के अलावा आपको परेश रावल, रत्ना पाठक और अपराशिक्ता खुराना भी देखने को मिलेंगे। दरअसल फिल्म में कृति एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती है जिसके माता पिता और एक कुत्ता है। राजकुमार को कृति बेहद पसंद करती है, ऐसे में वो शादी करने के लिए नकली माँ बाप ले जाते हैं। आगे की स्टोरी देखने के लिए आपको OTT पर आज ये फिल्म देखनी ज़रूरी है। इमरान हाशमी की एक फ़िल्म है जो जल्द ही रिलीज़ होने वाली है और इसकी जो रिलीजिंग डेट है वो आज की तय की गई है। ये है डिबॉक मूवी। दरअसल ये एक हॉरर मूवी है जिसे आज रिलीज़ किया जाएगा। इस फिल्म को लेकर इमरान हाशमी जो हैं वो काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। इमरान हाशमी की इस फिल्म का लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये आज अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ होने जा रही है। इमरान हाशमी की ये जो फिल्म है इसमें निकिता दत्ता हॉरर थ्रिलर का रोल अभिनय प्ले करेंगी और डिबुक द केस इज़ रियल में नज़र आएंगी। दरअसल ये फिल्म मलयालम फिल्म रीमेक से प्रेरित है। इस फिल्म की कहानी एक बुरी आत्मा सदियों से बॉक्स में आज़ाद होने की कवायद लगाती है लेकिन वो आज़ाद नहीं हो पाती। फिल्म में ज़बरदस्त थ्रिल भी है और कॉमेडी भी है, साथ ही साथ एक्शन भी है। विकी कौशल और कैटरीना कैफ इन दिनों चर्चा का विषय बने। उन लोगों की शादी को लेकर जो तरह तरह की अफवाहें चल रही है उसको लेकर विकी कौशल ने एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट को साझा करते ही तमाम तरह के उनके जो यूज़र्स हैं, उनके जो दोस्त हैं और दोस्त से लेकर उनके फैंस तमाम तरह की अटकलें लगा रहे हैं। और इस पोस्ट के बाद से ही उनको तरह तरह की जो उनको लेकर लोग तरह तरह की बातें भी बना रहे हैं इनको लेकर तरह तरह की बातें भी और उनकी निजी लाइफ को लेकर भी तरह तरह से हर तरह की अफवाहें तेज़ी से
तेजी से उड़ाई जा रही है। अब शादी की इन अफवाहों के बीच विकी कौशल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। इस तस्वीर में विकी सोफे पर बैठकर हल्की धूप का मजा लेते हुए और मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। अब यूजर्स उनकी इस तस्वीर का जमकर कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर्स ने विकी की इस तस्वीर पर कमेंट करते हुए लिखा, शादी की खुशी। वहीं एक और यूजर ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा कि होने वाली शादी मुबारक हो। एक फैंस ने पूछा, गोल्डन ओवर क्या है, सीधे शादी बोलो न सर। एक और यूज़र ने मजाक करते हुए कहा, दूल्हा चमक रहा है। विकी कौशल की इस तस्वीर पर कुछ ही घंटों में 6 लाख से ज़्यादा बार लाइक आ चुके हैं और 27,000 से भी अधिक लोगों ने इस पर कमेंट किए हैं। विकी कौशल की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है और उनकी ये तस्वीर हमेशा से ही फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांचक रही है, लेकिन इस बार लोग कुछ ज़्यादा ही उनके पोस्टों को ध्यान से देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि कैटरीना और विकी राजस्थान स्थित सवाई माधेपुर की एक रिजॉर्ट सेंसर फोर्स बारबारा में साथ फेरे लेंगे। हालांकि अभी इन खबरों की कोई आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है। विकी कौशल और कैटरीना ने भले ही इस मामले पर अपने कोई विचार निजी रूप से साझा नहीं किए, लेकिन दोनों के परिवार वाले भी इसको लेकर कुछ सामने नहीं कर रहे और ना ही कुछ कहने को तैयार हैं। ऐसी कवायद लगाई जा रही है कि करीना और विकी राजस्थान स्थित सवई में जल्द ही शादी करेंगे। भले ही इस मामले पर उनका अभी तक कोई विचार नहीं बना है और ना ही कोई उन्होंने आधिकारिक रूप से मीडिया को कुछ कहा है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे बॉलीवुड धमाल में। देखते रहिए बॉलीवुड धमाल। शुक्रिया।